भारत और इंग्लैंड के बीच आज दुबई के आईसीसी एकेडमी ओवल मैदान में टी20 वर्ल्ड कप का 11वां अभ्यास मैच खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला शाम 7:30 पर शुरू होगा। दोनों ही टीमों में कई मैच विजेता खिलाड़ी शामिल हैं और ऐसे में यह मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अभ्यास मैच में अपना दम दिखाना चाहेंगे ताकि प्लेइंग 11 की पहली पसंद बन सके। ध्यान दिला दें कि भारत को अपनी आखिरी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में श्रीलंका के हाथों 1-2 की शिकस्त सहनी पड़ी थी। वहीं इंग्लैंड ने अपनी आखिरी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से मात दी थी। याद हो कि भारत ने 2007 वर्ल्ड कप टी20 का खिताब जीता था। इंग्लैंड ने 2009 में खिताब अपने नाम किया था। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 19 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। भारतीय टीम ने अब तक 10 जबकि इंग्लैंड ने 9 मैचों में जीत दर्ज की है। भारतीय खिलाड़ियों ने हाल ही में आईपीएल खेला है तो उन्हें यूएई की पिचों का अंदाजा हो चुका है। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने आईपीएल के दूसरे चरण से अपना नाम वापस लिया था। अभ्यास मैच के जरिए परिस्थितियों में खुद को ढालने का उनके पास अच्छा मौका है। आईसीसी एकेडमी ओवल की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है और यहां बड़ा स्कोर बनते देखा जा सकता है। मैच के दूसरे हाफ में तेज गेंदबाजों को हल्की मदद मिलने की उम्मीद है, जबकि स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में अपना जलवा बिखेर सकते हैं। यहां पहली पारी का औसत स्कोर 200 रन है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत इंग्लैंड मैच में रन की बारिश होने की संभावना है। भारत की संभावित प्लेइंग 11 रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र चंद अश्विन, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11 जॉनी बेयरस्टो, जेसन रॉय, डेविड मालन, इयान मॉर्गन जो कि कप्तान हैं, जोस बटलर, लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, आदिल राशिद, क्रिस वोक्स, टाइमल मिल्स, क्रिस जॉर्डन।